Dear students, after a long Diwali break, we are here again. जैसा कि आपको याद हो, section 20 of the fundamental right, article 20 of the constitution, that is related with the fundamental right, वो discussion हम लोग कर रहे थे. और जैसा कि मैंने बताया था कि article 20 जो है वो तीन बातों से related है. उसमें से पहला और दूसरा इसका हमने जो है डिस्कशन कर लिया था, जिसमें कि डबल जेपार्डी की सिस्टम था और सेल्फ इनक्रिमिनेशन की हम चर्चा कर रहे थे. तो एक बार बैक में जाकर हम आपको वो स्लाइड दिखा दें जहां से कि हमने इसकी स्टार्टिंग की थी. ये स्लाइड था जिसमें सेक्स आर्टिकल 20 तीन बातों को का प्रोटेक्शन देता है. ए, एक्स फैक्टो पोस्ट लॉ, यानी जैसा कि कोई अगर कानून नहीं है तो, या ये कह लीजिए कि जब अपराध कोई किया गया है, कोई कार्य किया गया जिसको अपराध घोषित किया गया बाद में, तो उसके अंतर्गत सजा नहीं दी जा सकती. यानी एग्जिस्टिंग कानून के अंतर्गत ही किसी तरह की कोई सजा दी जा सकती है, अदरवाइज नहीं. ये 20 सब क्लॉज 1 में है. डबल जियोपार्डी यानी एक ही घटना के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती, ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में है. और सेल्फ इनक्रिमिनेशन, ये आत्म अभिशंसन यानी अपने खिलाफ कोई ऐसी गवाही देने के लिए बाध्य करना जो आपको खुद किसी आरोप में फंसा दे, इसके लिए बाध्य नहीं कह सकता, ये से आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में है. तो आर्टिकल 20 और 21 ये मैं डिस्कशन कर चुका था. अगर आपको ध्यान हो तो आप पुरानी स्लाइड्स अगर देखेंगे या कंटिन्यू लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा. और आज हम इसकी चर्चा करते हैं सेल्फ इनक्रिमिनेशन की. तो उसमें भी हमने काफ़ी पार्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन से पहले डबल जियोपार्डी की हम चर्चा कर रहे थे और उसी ये करनी थी. सॉरी, लास्ट लेक्चर में हमने डबल जियोपार्डी में ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डबल जियोपार्डी पे चर्चा करेंगे. तो जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में देखा कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में डबल जियोपार्डी की व्यवस्था है या प्रोटेक्शन है डबल जियोपार्डी से, ये कह लीजिए. तो क्या चीज है ये, इसकी हम डिटेल चर्चा करते हैं. इस स्लाइड में आप देख पाएंगे कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 क्या कहता है. क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी. ठीक है, डबल जियोपार्डी मतलब दोहरा दंड. तो दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2. द क्लॉज प्रोवाइड्स, जो प्रोविजन है इस क्लॉज के वो है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूट एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. यानी किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जा सकती. ठीक है, द क्लॉज इज बेस्ड ऑन द कॉमन लॉ मैक्सिम नेमो डेट बिस फिक्स राई, विच मीन्स दैट अ मैन मस्ट नॉट बी पुट ट्वाइस इन प्रिल फॉर द सेम ऑफेंस. तो ये एक आंग्ल मैगजीन पर आधारित है. इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के बदले दो बार जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता, सिंगचो के अंदर नहीं रखा जा सकता. तो द प्रिंसिपल इज ड्रॉन फ्रॉम मैगजीन सिट कॉन्स्टेंट क्यूरिया कोड सिट प्रो एट इडेम कॉजा. प्रो इडेम कॉजा मीन्स फॉर द सेम कॉज. द प्रोटेक्शन कंटेंड इन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 इज नैरोअर देन दैट अंडर इंग्लिश एंड द अमेरिकन लॉ. तो इसे अमेरिकन और इंग्लिश लॉ में भी इस चीज को इस मैगजीन के बेसिस पर जो प्रिंसिपल्स हैं वो बनाए गए. आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 वुड बी इन्वोक्ड ओनली इफ फॉलोइंग एसेंशियल्स आर कंप्लाइड विद. तो यहां पर हमको ये समझना जरूरी है कि जब हम भारत में आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 की बात करते हैं, जो कि इंग्लैंड और अमेरिका के लॉ में भी प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेटेड है, तो कब आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 लागू होगा, या ये कह लीजिए कि कब वो ग्राउंड्स होंगे जबकि हम आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 के प्रोटेक्शंस को हम लागू कर सकेंगे. तो यहां पर ये कुछ बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 को लागू करने के लिए.
ये कलर में शायद दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इसको एक बार इसकी कलर चेंज कर दूँ। अच्छा चलो ठीक है। द पर्सन मस्ट बी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। सबसे पहली बात तो यह है कि जो व्यक्ति आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत दावा कर रहा है वो एक अभियुक्त होना चाहिए किसी अपराध के आरोप में, ठीक है। नंबर 2, द पर्सन मस्ट हैव बीन प्रोसिक्यूटेड बिफोर अ कोर्ट और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल। तो ऐसा व्यक्ति जो 20 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत दावा कर रहा है वो आरोपित हुआ जाना चाहिए किसी न्यायालय अथवा कोई आपराधिक न्यायाधिकरण के समक्ष, ठीक है, उसे प्रोसिक्यूट किया गया हो। नंबर 3, द पर्सन मस्ट हैव बीन पर्सुएड आफ्टर हिज प्रोसिक्यूशन बिफोर अ कोर्ट और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल। तो सेकंड और थर्ड में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, लगभग लगभग एक ही बात है, केवल वर्ड का डिफरेंस है, उसको दूसरे तरीके से कहा जा सकता है। 4, द पर्सन मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेकेंड टाइम बिफोर अ कोर्ट और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल। तो इसमें चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि उसे सेकेंड टाइम प्रोसिक्यूट किया गया हो, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम अगर कोई व्यक्ति किसी ऑफेंस के अंतर्गत प्रोसिक्यूट किया गया, उसे एक्यूज ठहराया गया और उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसमें उसको कन्विक्शन होता है या नहीं होता अलग चीज है। अगर कन्विक्शन नहीं होता है तो उस सेकेंड टाइम में जब उसे प्रोसिक्यूट किया गया तो भी 20 सब क्लॉज 2 का वो दावा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसे प्रोसिक्यूट कर दिया गया और उसके बाद सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से उसे प्रोसिक्यूट किया जाता है तब सेक्शन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 इन्वोक होता है, ठीक है, तो वो तभी उसका दावा कर सकता है, उसके पहले नहीं कर सकता है। अब इस डिटेल को समझ लेते हैं थोड़ा क्या है। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, द पर्सन मस्ट बी एक्यूज्ड ऑफ अ पर्सन, द टर्म ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका अर्थ आप समझते हैं कि भारत में जब भी हम ऑफेंस की बात करते हैं तो आईपीसी सबसे प्राइम एक्ट है। आईपीसी में जिन कार्यों को ऑफेंस डिसाइड किया गया है, एक्ट या ओमिशन जो भी, किसी भी एक्ट और ओमिशन को अगर आईपीसी में ऑफेंस डिसाइड किया गया तो प्राइमरी ऑफेंस तो वो है इंडिया के संदर्भ में। लेकिन आईपीसी कोई अकेले एक्ट नहीं है आपराधिक मामले में, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट हैं जिनके अंतर्गत भी बहुत सारे कामों कार्यों को ऑफेंस डिसाइड किया गया, जैसे आर्म्स एक्ट है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, ठीक है, इस तरह से आपके एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे एनडीपीएस एक्ट है, तो बहुत सारे एक्ट है जिसमें कि आईपीसी में जिन कार्यों को ऑफेंस घोषित किया गया उसके अलग हटके भी कुछ कार्यों को घोषित किया गया। तो फॉर द टाइम बीइंग वर्ड लगा हुआ है, यानी किसी समय जो भी विद्यमान विधि हो, प्रवृत्त विधि हो, उसके अंतर्गत जो भी कार्य को एक्ट या ओमिशन को ऑफेंस डिसाइड किया गया हो, घोषित किया गया हो, उसके अंतर्गत वो दंडित किया जाना हो। दूसरा, यहां पर आप सेक्शन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 से तुलना कर सकते हैं कि अगर टाइम बीइंग इनफोर्स वर्ड नहीं लिखा हो तो ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 का खुद ही वायलेशन हो जाए, क्योंकि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 में आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति को विद्यमान विधि के अंतर्गत ही सजा दी जा सकती है, अदरवाइज नहीं दी जा सकती। तो द पर्सन मस्ट हैव बीन सेकंड द पर्सन मस्ट हैव बीन प्रोसिक्यूटेड बिफोर अ कोर्ट और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो एक व्यक्ति ऑफेंस तो कर दिया, लेकिन ऑफेंस तब तक सेक्शन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन तब तक नहीं मिलता जब तक कि वो प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। कई बार क्या होता है कि अनजाने में कोई कार्य कर देता है, उसको नोटिस नहीं लिया जाता, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ, कोर्ट में प्रोसिक्यूट नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशन में उसे सजा भी नहीं मिल सकती। तो वहां पर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 का कोई मतलब नहीं है। तो द पर्सन मस्ट हैव बीन प्रोसिक्यूटेड बिफोर अ कोर्ट और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल। द टर्म प्रोसिक्यूशन मींस इनिशिएशन और स्टार्टिंग ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल इन नेचर बिफोर अ कोर्ट और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ एनी प्रोसीडिंग का मतलब आप समझते हैं, हालांकि सीआरपीसी अभी फाइनल ईयर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स कैसे होता है क्रिमिनल मामले में, कि या तो एफआईआर दर्ज की गई हो
या उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया गया हो, ठीक है ना, और या फिर पुलिस को विश्वस्त सूचना प्राप्त हो कि ऐसा व्यक्ति कोई ऑफेंस किया है या करने वाला है, या उसके बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई हो, तो या कोई ऐसा कार्य हो जिससे संदेह पुलिस को उत्पन्न हो जाए। तो ये बहुत सारे ग्राउंड्स जो हैं, बेसिकली तीन चार ग्राउंड सीआरपीसी में दिए गए हैं। तो उस ग्राउंड्स के आधार पर पुलिस जो है वो इनिशिएशन करती है, यानी उसको बुलाती है थाने में, ठीक है। अब बहुत डिटेल में जाएंगे तो सीआरपीसी पढ़ाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि इनिशिएशन एफआईआर से होता है, या कंप्लेन से होता है, या पुलिस के किसी एक्शन से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर और फिर उसको पुलिस पकड़ के और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, तो वहां पर ये कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। एक केस इस संदर्भ में है, मकबूल हसन हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। द अपीलांट अ सिटीजन ऑफ इंडिया ब्रॉट फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। मकबूल हुसैन नाम का एक व्यक्ति था जो कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत अपीलांट था। वो भारत का एक नागरिक था और उसको एक फॉरेन कंट्री से, विदेशी राज्य से लाया गया। ब्रॉट फॉर्म है फॉरेन कंट्री सम गोल्ड विदाउट मेकिंग अ डिक्लेरेशन, यानी वो विदेश से कुछ सोना लाता हुआ पकड़ा गया और बिना किसी डिक्लेरेशन के, क्योंकि ये इस पे कस्टम एक्ट लागू होता है। अगर आप बाहर से ला रहे हैं, अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया, तब तो नियमानुसार वो टैक्स लगेगा, और टैक्स लगने के बाद आपका सोना टैक्स फ्री हो गया, फिर आप ले जा सकते हैं। लेकिन जो स्मगलिंग का काम करते हैं वो डिक्लेरेशन नहीं करते हैं और सोना छुपा के लाना चाहते हैं। अगर कस्टम वालों ने पकड़ लिया तो उस कंडीशन में वो जुर्म हो जाता है, नहीं पकड़ा तो लेके बाहर आ गए। तो इस चक्कर में कई लोग जो स्मगलर विशेष तौर पर है वो सोना विदाउट डिक्लेरेशन के लेके आते हैं, अगर नहीं पकड़े गए तो वो सोना हमारा हो गया। और फॉरेन में काफी सस्ता है और भारत में महंगा है, तो वो जो डिफरेंसेस है वो एक तरह से उनकी ब्लैक इनकम होती है। एनीवे, तो मकबूल हुसैन नाम का जो व्यक्ति था वो विदेश से बिना डिक्लेरेशन के सोना लाया हुआ लाता हुआ पकड़ा गया। द कस्टम अथॉरिटीज लुक एक्शन अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 167 ऑफ सी डॉम्स एक्ट 1878। तो उन्होंने एक सी डॉम्स एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहा, एंड कन्फिस्केटेड द गोल्ड, और जो गोल्ड था उसको उन्होंने जब्त कर लिया। सब्सिक्वेंटली ही वाज चार्ज कार सेक्शन अंडर सेक्शन 8 ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। इसके साथ ही यहाँ पे ये अंडर होगा, गलत लिखा हुआ, अंडर सेक्शन 8 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसी तरह से उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की, एंड प्रोसिक्यूशन स्टार्टेड अगेंस्ट हिम अंडर द सेड लॉ, और उसके अंतर्गत भी उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सी कस्टम अथॉरिटीज वेयर नॉट अ कोर्ट और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल। उन्होंने ये कहा कि जो सी कस्टम है, समुद्री जो कस्टम वर्ड की हिंदी नहीं आ रही, जो समुद्री सीमा पर जो कस्टम अथॉरिटीज है वो न तो जुडिशियल ट्रिब्यूनल है और न ही वो जुडिशियल कोर्ट है। एंड द एडजुडिकेटिंग ऑफ कॉन्फिसकेशन अंडर द सी कस्टम एक्ट 1878 डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ जजमेंट और एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ सपोर्टिंग अ प्ली ऑफ जुडिशियल जियोपार्डी। तो इस तरह से उसने जियोपार्डी के लिए दावा किया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उन्होंने ये कहा कि जो प्राइमरी लेवल पर जो कस्टम अथॉरिटीज है जो उन्होंने पकड़ा उसको, तो इसमें बहुत सारी बातें हिडन है, क्योंकि उन्होंने एक बार कस्टम वालों ने उसको पकड़ लिया और जो भी पेनाल्टी लगी, उसके बाद उसे फेरा में पकड़ा गया, फिर उसकी पेनाल्टी लगी। तो उसने कहा कि भाई काम तो एक ही है, हमने जो है यहाँ से लाए और उसके अंतर्गत हमको दो दो जगह पनिशमेंट क्यों मिल रहा है। तो इस कारण से वो 20 सब क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन लेना चाहता। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कस्टम अथॉरिटीज है वो न तो जुडिशियल कोर्ट है और न ही जुडिशियल ट्रिब्यूनल है, जबकि 20 सब क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है कि जुडिशियल ट्रिब्यूनल या जुडिशियल कोर्ट के माध्यम से दो बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ट्रिब्यूनल और कोर्ट की क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस कोर्ट इस केस में क्लियर किया। तो कहीं अगर आपको ये डिटर्मिनेशन करना हो कि जुडिशियल कोर्ट का मतलब क्या है और ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, तो आप ये मकबूल हुसैन का केस जो है वो रेफर कर सकते हैं।
उसके बाद द प्रोसिक्यूशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 वाज दस हेल्ड टू बी द फर्स्ट प्रोसिक्यूशन नॉट बार्ड बाय आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2। तो इस हिसाब से जो फेरा है, फेरा के अंतर्गत जो प्रोसिक्यूशन किया गया इसको वैलिड ठहराया गया। क्यों? क्योंकि जो कस्टम वालों के थ्रू जो एक्शन लिया गया, क्योंकि कस्टम एक जुडिशियल कोर्ट नहीं है, जुडिशियल ट्रिब्यूनल नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उसे डबल जेपार्डी दी गई या उसको दोहरा दंड दिया गया। इसी तरह से एक केस है एस ए वेंकटारामन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस की हम चर्चा कल करेंगे और मैं एक तरह से होमवर्क आपको देता हूँ कि इस केस को आप गूगल पे टाइप करें और उसके बाद देखें इसका फैक्ट्स क्या है, और इसके बाद आपको भी समझ में आएगा। जब थोड़ा सा आप भी पढ़ेंगे तो फिर आनंद ज़्यादा आएगा। तो मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ और ऐसे वेंकटरमन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस हम कल डिस्कस करेंगे और इसे आप नेट पे ज़रूर इसकी स्टडी करें, फिर इसकी चर्चा करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।